हाय गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका उदय क्लासेस में और मैं हरीश कुमार शर्मा एक बार फिर से आपकी सेवा में हाजिर एक नई वीडियो लेकर के। तो दोस्तों, आज आपका जो टॉपिक है मैथ के अंतर्गत बहुत ही विशेष स्पेशलिस्ट टॉपिक जिसकी बहुत ज़्यादा मांग रहती है, और वो है आपका नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम जो आज आपको पढ़ाने का मेरा पर्पज है वो ये नहीं है कि भाई मैं उसे 10+2 के एग्ज़ाम के लिए पढ़ा रहा हूँ। मेरा पर्पज केवल एक ही है कि नंबर सिस्टम को आपको इस तरीके से डील किया जाए कि अगर किसी भी एग्ज़ाम के लिए कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो बाहर ना जाए। तो दोस्तों, शुरू से लेकर के एंड तक अगर आप नंबर सिस्टम मेरा पढ़ना स्टार्ट करते हैं, वीडियो पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो पार्ट बाई पार्ट शुरू से लेकर के एंड तक आप वीडियो पढ़ें। कोई पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो आपकी समझ में ना आए, ठीक है। आप शुरू से लेकर के लेकिन वीडियो को एंड तक देखें, बीच में वीडियो को बिल्कुल कट ना करें। ये मेरा वादा है आपसे कि कोई पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो आपकी समझ से बाहर रहेगा। तो करते हैं शुरुआत दोस्तों। तो बात आती है टॉपिक की, तो टॉपिक है आपका नंबर सिस्टम। बोले तो हिंदी में संख्या पद्धति। देखिए, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति खूब विशाल का टॉपिक है, जिसे कह सकते हो ये नहीं है, छोटा है। बाद बाकी कितना पढ़ते हो नंबर सिस्टम में कि भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या है, विषम संख्या है, बस इन्हीं को पढ़ करके समझते हो कि आपका नंबर सिस्टम खत्म हो गया। लेकिन मैं आपको बताया दे रहा हूँ कि आज का जो वीडियो होगा वो केवल नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन होगा, नंबर सिस्टम का वर्गीकरण होगा कि वास्तव में नंबर सिस्टम को कितने भागों में तोड़ा जा सकता है और क्या क्या स्थितियाँ इसकी बनकर के तैयार होती हैं। तो देखिए, सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो सिस्टम का मतलब होता है पद्धति, और दूसरी अगर बात करते हैं एक और कि पद्धति को और हम क्या कहते हैं, तो उसका मतलब होता है प्रणाली। और प्रणाली को भी और ज्यादा खंडित करना चाहें तो उसका मतलब होता है समायोजन, यानी जिस नाम के आगे सिस्टम लग जाता है ना, उसका मतलब अपने आप में समायोजन होता है। तो यहां पर नंबर है और नंबर के साथ में सिस्टम जुड़ा हुआ है। तो नंबर सिस्टम का मतलब हुआ कि नंबरों को कितने प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, किस सिस्टम के अंतर्गत रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो नंबर को, संख्या को जिस सिस्टम के अंतर्गत रिप्रेजेंट किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम कहते हैं। तो यहां से पहला पॉइंट आपका आता है कि नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कितने नामों का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहला नाम जो है वो आपका आता है डेसिमल। क्या आता है? डेसिमल सिस्टम, यानी जिसे हम कहते हैं दशमलव पद्धति। क्या कहते हैं? दशमलव पद्धति, ठीक है। दूसरा नाम आता है आपका बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम जिसे हम कहते हैं द्वे आधारी पद्धति। नंबर तीन आता है आपका ऑक्टा डेसिमल सिस्टम। ऑक्टा डेसिमल सिस्टम। नंबर चार आपका आता है हेक्सा डेसिमल सिस्टम। हेक्सा डेसिमल सिस्टम। देखिए, डेसिमल सिस्टम दशमलव पद्धति होती है, बाइनरी सिस्टम द्विआधारी पद्धति, ऑक्टा डेसिमल, हेक्सा डेसिमल, ये आपके चार सिस्टम होते हैं जिनके अंतर्गत संख्याओं को रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको जिस सिस्टम से काम करना है वो डेसिमल सिस्टम होगा, जिसके क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बाइनरी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आगे जैसे ही बढ़ेंगे आगे के टॉपिकों में हम बाइनरी सिस्टम को लेंगे, ऑक्टा को भी लेंगे, हेक्सा को भी लेंगे, सभी सिस्टमों को लेंगे। लेकिन प्रचलन की अगर हम बात करते हैं, जनरली जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत। तो देखिए, डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो डेसिमल सिस्टम में क्या क्या होता है, सबसे पहले आप ये जानिए कि डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट नाम जो है जिससे इसकी शुरुआत होती है वो क्या होता है। तो देखिए, डेसिमल सिस्टम में टोटल डिजिटों की जो संख्या होती है वो 10 होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यानी टोटल डिजिट जो होते हैं आपके वो कितने होते हैं, 10 होते हैं। और इन 10 डिजिटों का प्रयोग करने के बाद में हमारा नंबर बन के तैयार होता है, हमारी संख्या जो है वो बनकर के तैयार होती है। अगर हमारी कोई भी संख्या बनकर के तैयार होती है तो इन्हीं 10 डिजिटों का प्रयोग करके होती है, जैसे 9, 8 हमने बोल दिया 5, 3, यानी 9, 8, 5, 3 हमारी संख्या बनकर के तैयार हो गई, और इन डिजिटों का ही किसी न किसी का प्रयोग करके 4 अंकों की संख्या बनकर के तैयार हुई है। लेकिन यहाँ पर डिजिट जो है अपने संख्या के अंतर्गत स्थान घेरे हुए होते हैं, और ये जो स्थान घेरे हुए होते हैं इन स्थानों को किन किन नाम से जाना जाता है। तो किसी भी संख्या के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो किसी भी संख्या में कोई भी डिजिट दो नामों से अपने स्थान को घेरता है। एक होता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो इसे हिंदी में कहते हैं अंकीयमान। क्या कहते हैं? अंकीयमान या जातीयमान कह देते हैं। और दूसरा आपका होता है और वो होता है प्लेस वैल्यू, जिसे हम कह देते हैं क्या, स्थानीयमान। यानी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, यानी किसी भी संख्या के अंतर्गत आपका जो अंक होता है उसके कितने स्थान होते हैं, दो स्थान होते हैं, एक तो अंकीय और एक स्थानीय। यानी दो वैल्यू वो अपने रखता है और दो वैल्यू में एक
फेस और एक प्लेस वैल्यू। जैसे हम कहने लगे कि कोई भी हमने संख्या बनाई कि 9875 और 9875 में हम कहने लगे पांच का फेस वैल्यू क्या है, जातीय मान क्या है, अंकीय मान क्या है। तो देखिए किसी भी संख्या के अंतर्गत किसी भी अंक का जो स्वयं का मान होता है ना, वह उसका क्या कहलाता है, जातीय मान कहलाता है, स्वयं की इंडिविजुअल जो वैल्यू होती है। जैसे हम कहने लगे कि फेस वैल्यू ऑफ 5 तो इज इक्वल हम कहेंगे 5। हम कहने लगे फेस वैल्यू ऑफ 7 तो हम कहेंगे 7। हम कहने लगे फेस वैल्यू ऑफ 8 तो हम कहेंगे 8। हम कहने लगे फेस वैल्यू ऑफ 9 तो हम कहेंगे 9। यानी किसी भी संख्या के अंदर किसी भी अंक का जो स्वयं का मान होता है वह उसका क्या कहलाता है, जातीय मान, फेस वैल्यू कहलाती है। ठीक है, इसके बाद में नाम आता है तुम्हारा प्लेस वैल्यू। कि प्लेस वैल्यू हम किसे कहते हैं, तो देखिए प्लेस वैल्यू जो होती है वो होती है कि किसी भी संख्या के अंदर कोई भी अंक अपना कितना स्थान प्राप्त किए हुए होता है, कौन सा स्थान प्राप्त किए हुए होता है, उसको हम प्लेस वैल्यू कहते हैं, स्थानीय मान कहते हैं। जैसे कहने लगे कि प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू ऑफ 9, अगर हम प्लेस वैल्यू ऑफ 9 कहने लगे तो 9 के आगे जितने भी डिजिट हैं उतनी जीरो, यानी 9 के आगे तीन डिजिट हैं, तीन जीरो, यानी 9000। अगर हम कहने लगे प्लेस वैल्यू ऑफ 8 तो 8 के आगे जितने भी डिजिट हैं उतना जीरो, दो जीरो, तो 800। हम कहने लगे प्लेस वैल्यू ऑफ 7, 7 का आगे कितना डिजिट है, 5, सॉरी 7 के आगे एक डिजिट है, एक जीरो। हम कहने लगे प्लेस वैल्यू ऑफ 5 तो वो कितनी होगी, 5। तो सदैव ध्यान रखना कि प्लेस वैल्यू जो आपका यूनिट डिजिट है 5, उसकी प्लेस वैल्यू 5 है, और आपकी जो फेस वैल्यू अभी आई थी वो भी फेस वैल्यू कितनी आई थी, 5 की 5 ही आई थी। तो आपका जो यूनिट डिजिट होता है उसकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों क्या होती हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, अब यहां से बात आती है कि वास्तव में संख्या की डेफिनेशन पर अगर हम जाते हैं कि संख्या हम कहते किसे हैं, तो देखिए अंकों का जो जातीय मान होता है और स्थानीय मान जो होता है उसके गुणनफल का जो योग होता है उसी को हम संख्या कहते हैं। यानी किसी अंक या किन्हीं अंकों के जातीय मान और स्थानीय मान के गुणनफल का योग क्या कहलाता है, संख्या कहलाता है। जैसे हम कहने लगे कि भाई किसी भी संख्या का इकाई का अंक 3 है और दहाई का अंक जो है वो क्या है, 5 है। तो इकाई का अंक 3 है तो 3 इकाई, स्थानीय मान 1, दहाई का अंक कितना है, 5, तो 10, इनका गुणनफल 3 और कितना हो गया, 50, इसकी टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 53। तो हमारी संख्या बन करके तैयार हो गई कितनी, 53, इकाई का अंक 3 और दहाई का अंक कितना हुआ, 5 हुआ। तो यहां से हम कह सकते हैं कि संख्या की डेफिनेशन एक ही बात कहती है कि किन्हीं अंकों के जातीय मान और स्थानीय मान के गुणनफलों का जो योग होता है उसी को हम क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर हम यहां पर कहने लगे कि भाई किसी भी संख्या का इकाई का अंक जो है वो एक्स है और हम कहने लगे दहाई का अंक जो वो बाई है, तो उसको ये मत कह देना कि संख्या हमारी बाई एक्स हो जाएगी, बिल्कुल इनकरेक्ट है। क्योंकि संख्या का इकाई का अंक एक्स है तो इसकी जो फेस वैल्यू है वो एक्स है और इसकी प्लेस वैल्यू इकाई है, यूनिट है, तो 1 होगी। अगर हम दहाई की बात करते हैं तो इसका फेस वैल्यू कितना है, बाई है, अगर हम इसका प्लेस वैल्यू करते हैं तो 10 होगी, तो हमारा एक्स और ये कितना हो जाएगा, 10 बाई, अगर हम इसको प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 10 बाई प्लस के एक्स, तो ये हमारी क्या होगी, संख्या होगी। तो ये कभी गलती ना कर दें कि इकाई का अंक एक्स है, बाई दहाई का अंक बाई है, तो हमने संख्या को बाई एक्स कर दिया। ठीक है, तो संख्या की डेफिनेशन यहां से आपकी क्लियर हो चुकी होगी मेरे हिसाब से। लेकिन अब यहां से आगे के लिए बढ़ते हैं कि भाई नंबर सिस्टम में आपका और क्या देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों नंबर सिस्टम में क्लासिफिकेशन बहुत बड़ा महत्व रखता है और क्लासिफिकेशन वर्गीकरण आपका वहीं पर होता है जहां पर दो या दो से अधिक नामों का समूह होता है। तो हम नंबर का क्लासिफिकेशन करेंगे और जब तक आप क्लासिफिकेशन के बारे में नहीं जान पाएंगे नंबर के में, तो आप उस पर काम कैसे करेंगे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नंबर का क्लासिफिकेशन जो है वो क्या होता है। देखिए क्लासिफिकेशन में वर्गीकरण आता है, उसको अलग अलग वर्गों में कितने प्रकार से नंबरों को बांटा जा सकता है, उन्हीं का जो वर्गीकरण होता है उसी को हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो यहां पर मैं क्लासिफिकेशन करूंगा तो मैं करूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर से, किससे करूंगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर हम बात करते हैं तो इसको हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र, सम्मिश्र संख्याएं। क्या कहते हैं, सम्मिश्र संख्याएं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होती है वो सम्मिश्र संख्याएं तो होती हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर को कितने रूपों में बांटा जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो बंटवारा है वो होता है एक रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर की अगर हम बात करते हैं तो रियल नंबर को हम हिंदी में कह देते हैं वास्तविक संख्याएं। क्या कह देते हैं, वास्तविक संख्याएं। और इमेजिनरी को हम क्या कह देते हैं, काल्पनिक संख्या। ठीक है,
सामान्यतः इमेजिनरी से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, रियल नंबर से सब पहलू जुड़े हुए होते हैं, लेकिन इमेजिनरी के बारे में थोड़ा टेक्निकल में चला जाता है, लेकिन इसके बारे में फिर भी बता दे रहा हूँ। एक आयोटा नाम के गणितज्ञ थे, उन्होंने इसके बारे में बताया। इमेजिनरी का मतलब होता है कल्पना करना, ऐसे नंबर जिनकी केवल कल्पनाएं की जा सकती है। जैसे हमने कह दिया कि भाई माइनस वन का स्क्वायर रूट बताइए क्या होगा, तो माइनस वन का स्क्वायर रूट आप नहीं कह सकते हो कि इसका स्क्वायर रूट ये होगा। तो आयोटा नाम था, तो आयोटा जो थे उन्होंने बताया कि आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो माइनस वन होती है, और आई इजुकल रूट के कितना होता है, माइनस वन होता है। ठीक है, ये हमको बताया था किसने, आयोटा, आयोटा गणितज्ञ थे ये, इन्होंने इमेजिनरी नंबर के बारे में हमको ये बताया। लेकिन हमको जो काम करना है वो करना है किस पर, रियल नंबर पर, और रियल नंबर की अगर हम बात करते हैं तो वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याओं का बंटवारा करने के लिए हम जाते हैं, देखिए नोट करते जाना क्योंकि मैं एक ही बार पर बोर्ड पर नहीं बता सकता हूं, रफ तो करना पड़ेगा। रियल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, देखिए रियल नंबर यानी माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, यानी माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर होते हैं उन सबको हम क्या कहते हैं, रियल नंबर। लेकिन ये जो होते हैं वो अपने आप में दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं डेसिमल और एक होते हैं आपके इंटीजर। देखिए डेसिमल को जो हम कहते हैं वो कह देते हैं दशमलव, और इंटीजर को जो हम कहते हैं वो क्या कहते हैं, पूर्णांक। ओके, इंटीजर को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। लेकिन अभी इस पर बात करेंगे, सबसे पहले निपटते हैं हम किससे, डेसिमल से। देखो क्लासिफिकेशन को आप साथ साथ नोट करते चलना, सीक्वेंस में बताऊंगा। और ये भी आपसे वादा कर रहा हूं कि आने वाले 20 साल तक आपको जरूरत नहीं पड़ेगी नंबर सिस्टम दोबारा देखने की, अगर आपने सारी की सारी वीडियो मेरी नंबर सिस्टम की पढ़ ली तो। ठीक है, नंबर सिस्टम की बात छोड़िए, किसी भी टॉपिक के लिए शुरू से लेकर अगर आप एंड तक पढ़ते हैं तो डेसिमल, डेसिमल के बारे में हम बात करते हैं, इंटीजर को बाद में लेंगे कि डेसिमल का बंटवारा किस तरीके से किया जा सकता है। तो देखिए डेसिमल यानी दशमलव, दशमलव का बंटवारा हम यहां पर करने के लिए जाते हैं, एक होते हैं रिपीटिंग, रिपीटिंग डेसिमल, और एक होते हैं नॉन रिपीटिंग डेसिमल। एक होते हैं रिपीटिंग डेसिमल, एक होते हैं आपके नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब होता है पुनरावृत्ति, रिपीटिंग का मतलब क्या होता है, पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति, और नॉन रिपीटिंग का मतलब पुनरावृत्ति नहीं। ठीक है, अब मैं यहां पर कहने लगा कि रिपीटिंग डेसिमल को ध्यान में रखते हो कि जी बताइए 0.4 जो है वो क्या रिपीटिंग डेसिमल है, जी हाँ बिल्कुल है, क्योंकि 0.4 के बाद में हम कितनी भी जीरो लगा सकते हैं, बार बार जीरो रिपीट हो रहा है, तो 0.4 अपने आप में एक रिपीटिंग डेसिमल है। अगर हम कहने लगे 0.33333333 रिपीटिंग है, जी हाँ दशमलव के बाद में हर बार 3 रिपीट हो रहा है, तो 0.33333 रिपीटिंग डेसिमल है। अगर हम कहने लगे 0.12342345567... क्या ये रिपीटिंग है, जी नहीं है, तो ये अपने आप में नॉन रिपीटिंग है। तो यहां से एक और बात निकल करके आती है कि अगर हम इस 0.33 में से सब तीन को हटा दें, एक रहने दें, तो हम यहां पर बार लगा देंगे, और ये बार लगाना हम आपको बताएंगे कि इसका मतलब क्या होता है। अगर हम यहां पर ये कहें भाई 0.4 है, तो 0.4 को हम 4/10 कह सकते हैं, 0.3 पर बार हम इसे 3/9 कह सकते हैं, बार के बारे में हम आपको बताएंगे, हो सकता है आज की वीडियो में दे दें इसको, तो 3/12 है, 3/9 दे सकते हैं। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि जो आपके रिपीटिंग डेसिमल होते हैं, उन रिपीटिंग डेसिमल की खासियत होती है कि उन्हें समाप्त किया जा सकता है, यानी वो टर्मिनेटिंग होते हैं। क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग का मतलब उन्हें समाप्त किया जा सकता है। और जो आपके जो डेसिमल आपके नॉन रिपीटिंग होते हैं, यानी 0.12345 या जो कुछ भी आगे के लिए, हम आप इसको समाप्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो 0.12342345 तो हम इसे समाप्त नहीं कर सकते हैं। तो जितने भी आपके नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। अब यहां से बात आती है कि जब इन्हें समाप्त किया जा सकता है रिपीटिंग को, तो 4/ हम क्या कह सकते हैं, 4/10, 3/9 कह सकते हैं, तो ये अपने आप में पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। और जब ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, तो ये अपने आप में क्या होंगे, रेशनल नंबर। यानी जितने भी आपके रिपीटिंग डेसिमल होते हैं, रिपीटिंग डेसिमल टर्मिनेटिंग होते हैं, समाप्त किया जा सकता है, और जो रिपीटिंग डेसिमल टर्मिनेटिंग होता है समाप्त किया जा सकता है, उन्हें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। और जब पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में
लिखने वाले जितने भी नंबर होते हैं वो सब रेशनल होते हैं, रेशनल बोले तो क्या होते हैं, परमेय। ठीक है, तो ये सब अपने आप में परमेय संख्या होती है, रिपीटिंग डेसिमल या रिपीटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल जितने भी होते हैं वो सब रेशनल होते हैं यानी परमेय संख्या होती हैं। अगर हम बात करते हैं नॉन रिपीटिंग, तो नॉन रिपीटिंग जो होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर बोले तो अपरमेय संख्या। कैसी संख्या है? अपरमेय। ठीक है, अपरमेय संख्या होती है जैसे आपके सामने ये लिखा हुआ है, इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है। अगर हम बात करते हैं कि रूट थ्री, इसमें भी बार बार रिपीट नहीं होगा, नया आएगा, हम कहने लगे रूट फाइव, इसमें भी होगा, हम कहने लगे रूट सेवन। इसी तरीके से अगर बात करते हैं तो ये हमारे नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, इन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता है, लगातार चलते रहेंगे, तो ये अपने आप में रेशनल नंबर होंगे, इन्हें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ऑल रेशनल नंबर अपने आप में क्या होते हैं, रिपीटिंग टर्मिनेटिंग होते हैं, और जितने भी रिपीटिंग टर्मिनेटिंग होते हैं वो सब क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। बात के लिए, लेकिन यहाँ पर एक अपवाद आता है कि 22 बटे 7 के बारे में अगर हम बात करते हैं कि 22 बटे 7 क्या है, तो 22 बटे 7 पाई की वैल्यू होती है। क्या 22 बटे 7 रेशनल है? जी हाँ, 22 बटे 7 रेशनल है, लेकिन अगर हम पाई की बात करते हैं तो पाई जो है वो रेशनल है, यानी पाई अपनी गिनती अपरमेय में कराता है। क्यों? क्योंकि पाई की बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है 22 बटे 7। तो यहां से 22 बटे 7 की अगर हम बात करते हैं तो अगर इसमें आप भाग देंगे तो लगभग 5-6 अंकों के बाद में बार बार इसकी पुनरावृत्ति होने लगेगी, लेकिन पाई की वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है 22 बटे 7। तो पाई अपनी गिनती जो कराता है वो परमेय में कराता है, और हमारा 22 बटे 7 जो गिनती कराता है वो किसमें कराता है? परमेय में, रेशनल नंबर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नोट करते चलना। आगे के लिए आती है दोस्तों बात कि भाई ए और बी के बीच बताइए परमेय संख्या, दो संख्याओं के बीच में आपसे परमेय पूछ लेता है, ए और बी के बीच परमेय संख्या। तो ए और बी के बीच परमेय संख्या अगर आपको निकालनी है तो जनरली आप ए प्लस बी बाई टू करते हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ए प्लस बी बाई टू करने पर आपको हो सकता है ऑप्शन में मिले या न मिले, लेकिन आप एक मेथड का यूज करेंगे कि अगर दो नामों के बीच में आपका रेशनल नंबर पूछता है, परमेय संख्या पूछता है, तो ए के प्लस के बी अपॉन के प्लस के वन का प्रयोग करेंगे, जहां के इज इक्वल सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, जैसे अगर ए की वैल्यू हम 1 पुट करते हैं तो ए प्लस के बी, के की वैल्यू 1 पुट करेंगे हम तो के की वैल्यू 1 लगाने पर ए प्लस बी अपॉन 2, के की वैल्यू 2 पुट करेंगे 2 ए प्लस के बी अपॉन 3, के की वैल्यू 3 पुट करेंगे 3 ए प्लस के बी अपॉन 4, इसी तरीके से 4 ए प्लस बी अपॉन 5, और इसी तरीके से हम आगे चलते चलेंगे। तो जो आपको ऑप्शन में दे रखा है आप उसको निकाल सकते हैं, जैसे हम कहने लगे 5 और 6 के बीच, ठीक है, परमेय संख्या पूछी गई यानी रेशनल नंबर, तो आप कहेंगे a प्लस बी बाई टू, तो 5 प्लस 6 बटे 2 यानी 11 बटा 2, हो सकता है ऑप्शन में आपको ना मिले, आगे के लिए बढ़ जाइए, 2a 2 पंजे 10 और 6 16, 2a 2 पंजे 10 और 6 16 अपॉन 3, तो 16 बटे 3 आपका हो सकता है, हो सकता है ऑप्शन में मिल सके तो टिक मार दीजिए, ये डिपेंड करेगा इस बात पर कि आपको ऑप्शन में क्या दे रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में पूछ लिया जाता है कि भाई इरेशनल नंबर के बारे में, कि ए और बी के बीच में इरेशनल नंबर बताइए, कि ए और बी के बीच अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या, तो ए और बी के बीच अपरमेय संख्या आपको करना है रूट ए बी, क्यूब रूट ए बी, फोर्थ रूट ए बी, यानी जो आपका ऑप्शन कह रहा है, जैसे कहने लगे 2 और 3 के बीच अपरमेय संख्या, ठीक है, तो 2 और 3 के बीच रूट ए बी, 2 गुणा 3 तो हम कह देंगे 2 3 6, तो ये आपकी रूट 6 जो है वो क्या हो जाएगी, एक अपरमेय संख्या हो जाएगी। तो आप इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं कि आपका ऑप्शन कहाँ दे रखा है, उसी हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, थोड़ा इंक डाल लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। जितने भी इंटीजर होते हैं वो सभी अपने आप में परमेय संख्या होते हैं, यानी जितने भी आपके पूर्णांक होते हैं वो सब क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, परमेय संख्या होते हैं। अब इसके बाद में इंटीजर का अगर हम बंटवारा करते हैं तो इंटीजर आपके दो प्रकार के होते हैं। अब इंटीजर पे आ जाइए, इंटीजर जो आपके होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, और इंटीजर जब दो प्रकार के होते हैं तो क्या क्या स्थितियाँ होती हैं, तो देखिए इंटीजर पॉजिटिव होते हैं आपके और नेगेटिव होते हैं। ठीक है, आपके इंटीजर पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव होते हैं। ठीक है, इंटीजर आपके अब तक आपने दो पढ़े हैं लेकिन तीन लूंगा, पॉजिटिव और आपके एक होते हैं नेगेटिव इंटीजर, लेकिन एक नाम और आ जाता है तीसरा,
जो कि जीरो, इसके बारे में बताएंगे कि ये तीसरा नाम है क्या। देखिए पॉजिटिव इंटीजर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो पॉजिटिव इंटीजर जो ग्रुप होता है अपने आप में, जो सेट होता है नेचुरल नंबर का 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, जो आपका नेचुरल नंबर का सेट होता है वो सभी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। लेकिन नेगेटिव की अगर हम बात करते हैं तो नेगेटिव इंटीजर जो होते हैं वो कहाँ से आपके स्टार्ट होते हैं, वो माइनस के इनफाइनाइट से स्टार्ट होते हैं। माइनस के इनफाइनाइट से -4, -3, -2, -1 आगे के लिए नहीं, यहीं पर समाप्त हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि माइनस वन से आगे के लिए जाते हैं तो फिर हमारा एक और नाम आ जाता है, वो क्या आएगा? जीरो। तो हम आपको बता दे रहे हैं कि जीरो जो है वो अपने आप में एक इंटीजर तो है, लेकिन एक ऐसा इंटीजर है जो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव इंटीजर होता है। ये अपने आप में एक न्यूट्रल इंटीजर होता है। क्या होता है? न्यूट्रल इंटीजर होता है जीरो। तो जीरो अपने आप में एक न्यूट्रल इंटीजर है, पॉजिटिव और नेगेटिव से हट करके, यानी कैसा? न्यूट्रल इंटीजर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जीरो जो है वो अपने आप में कैसा इंटीजर है? न्यूट्रल। ठीक है, इसके बाद में अगर हम ये कहने लगे कि पॉजिटिव इंटीजर के साथ में जीरो को एक यानी न्यूट्रल इंटीजर को मिला दिया जाए तो हमारे पास में सेट बन के तैयार होता है 0, 1, 2, 3, 4, ……इनफाइनाइट तक। तो ये जो अपने आप में सेट बन के तैयार होता है ये होता है होल नंबर का। किसका? होल नंबर। और होल नंबर का जब ये होता है, यानी जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्याएं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं। तो ये पूर्ण संख्या होती हैं। तो जीरो को अगर पॉजिटिव इंटीजर के साथ में यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर में अगर शामिल कर लिया जाए तो जो हमारा बनता है सेट वो क्या होता है? होल नंबर होता है, पूर्ण संख्या होती है। कभी भी ये गलती मत कर देना कि जीरो क्या अपने आप में एक होल नंबर है। जी नहीं, जीरो जो है वो सेट बनाती है किसके साथ में? नेचुरल नंबर के साथ में। जो पूरा सेट होता है उसी को हम क्या कहते हैं? होल नंबरों का सेट कहते हैं। कोई भी नंबर अपने आप में होल नंबर नहीं होता है बल्कि पूरा सेट होता है। ओके, ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा आगे के लिए और बढ़ते हैं कि भाई जो आपके इंटीजर है उनका बंटवारा और किन रूपों में किया जा सकता है। तो देखिए इंटीजर का जो बंटवारा होता है वो आपका इंटीजर का बंटवारा है। इंटीजर का बंटवारा जो होता है वो अपने आप में इवन और ऑड, इवन एंड ऑड। ठीक है, इवन और ऑड में हम इसका बंटवारा करते हैं और इवन और ऑड में हमारी क्या क्या स्थितियां निकल करके आती हैं। देखिए इवन इंटीजर वे इंटीजर होते हैं यानी सम जिसे हम हिंदी में कहते हैं। क्या कहते हैं? सम। और ऑड को हम क्या कहते हैं? विषम। यानी सम अपने आप में क्या होते हैं और विषम इंटीजर हमारे अपने आप में क्या होते हैं। तो देखिए सम जो होते हैं उनकी गिनती अगर हम करते हैं तो माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होते हैं, प्रत्येक में दो जोड़ दिया जाए, जैसे प्लस -4, -2। अगर इसमें -4 में 2 जोड़ा 2 हो गया माइनस के, फिर 2 जोड़ा तो हमारा 0 हो गया, फिर 2 जोड़ा प्लस के 2 हो गया, फिर 2 जोड़ा प्लस के 4 हो गया, और इसी तरीके से प्लस के इनफाइनाइट तक चलेंगे। और ऑड जो है माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होते हैं, -5 है जैसे, माइनस के 3 है, माइनस के 1 है, फिर 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस के 1, फिर 3, फिर आ जाएगा आपका प्लस के 4 और डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आपका इवन इंटीजर होता है ना वो अपने आप में आगे के लिए जो प्राप्त होता है वो दो जोड़ने पर होता है, दो ऐड करने पर होता है। -4 में आपने 2 को प्लस किया, -2 रह गया, -2 में फिर 2 को प्लस किया, 0 हो गया। और फिर इसके बाद में अगर 0 में 2 को प्लस किया, +2 हो गया, +2 में 2 को प्लस किया, +4 हो गया। तो यहाँ पर 0 जो आ गया वो एक इवन में आ गया। तो यहाँ से पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में कि बताइए 0 जो है वो अपने आप में इवन है या ऑड है। तो 0 की गिनती अपने आप में इवन में होती है। जैसे यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट से -5 में 2 जोड़ा, माइनस के 3 हो गया, -3 में 2 जोड़ा, -1 हो गया, -1 में 2 जोड़ेंगे +1 हो जाएगा, +1 में 2 जोड़ेंगे प्लस का 3 हो जाएगा, 0 कहीं है ही नहीं। तो इसकी गिनती ऑड में नहीं होती है बल्कि किस में होती है? इवन में होती है। लेकिन इसके लिए मैं आपको और केसेस बता रहा हूँ कि इसकी गिनती और किस तरीके से इवन में होती है जीरो की। ठीक है, तो देखिए कुछ प्रॉपर्टी के बारे में आप जानते भी हो, लेकिन जानते हो तो उनको याद दिलाए देता हूं और जो नहीं जानते उनको बता दे रहा हूं। ठीक है, अगर आप कोई भी दो इवन को ऐड करने के लिए जाते हो तो आपको इवन प्राप्त होता है। जैसे हम कहने लगे 4+2, तो 4+2 बराबर हमारा कितना हुआ? 6। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कि भाई इवन या ऑड प्लस ऑड करने के लिए जाते हैं, ऑड प्लस ऑड अगर हम करने के लिए जाते हैं तो हमारा क्या आता है? इवन आता है। जैसे ऑड में हमने विषम में 3 ले लिया, 5 ले लिया, जोड़ा तो हमारा कितना आ गया? 8 आ गया, जो कि इवन है। अगर हम ऑड में इवन लेते हैं तो हमारा इवन नहीं बल्कि ऑड आता है। क्या आता है? ऑड आता है। जैसे ऑड में हमने 3 ले लिया, इवन में 5 ले लिया, इवन में हमने 4 ले लिया, तो 4 और 3 कितना हो गया? 7। तो 7 क्या है? ऑड है। तो यहां से हम आपको ये प्रॉपर्टी चेक करा रहे हैं कि जो इन कंडीशनों को फॉलो कर देता है जीरो, इवन या ऑड मानते हुए, उसी की स्थिति क्लियर हो जाएंगी कि क्या है। जैसे मैं आपको बताता हूँ
कि हमने थोड़ी देर के लिए जीरो को ऑड मान लिया, क्या मान लिया, ऑड, हमने विषम मान लिया। अब हमने यहां पर इवन की हम बात कर रहे हैं, हमने इवन दो ले लिया, एक इवन माइनस दो, अगर हमने प्लस किया इसको तो हमें जीरो प्राप्त हुआ, लेकिन जीरो यहां इवन दिखा रहा है लेकिन हमने जीरो को क्या माना, ऑड माना, तो ये प्रॉपर्टी गलत, जीरो ऑड नहीं है इसके अकॉर्डिंग। इसके अकॉर्डिंग जाते हैं तो यहां से ऑड हमने ले लिया प्लस के तीन और ऑड ले लिया माइनस के तीन, दोनों को ऐड किया हमारा जीरो आया, जीरो को हमने क्या माना, ऑड माना, लेकिन यहां क्या शो कर रहा है, इवन कर रहा है, तो ये भी प्रॉपर्टी गलत हो गई। ऑड और इवन के साथ अगर हम ऑड लेते हैं, ऑड में अगर हमने जीरो को माना है तो जीरो को हमने ऑड ले लिया, और प्लस इवन में हमने कुछ भी माना है, चार माना है तो हमें चार प्राप्त हुआ, जबकि चार ऑड नहीं है, क्या है, इवन है, तो ये भी प्रॉपर्टी गलत। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जीरो ऑड नहीं है। बाद बाकी अगर हम ये कह दें कि भाई जीरो को कुछ देर के लिए, अगर हम जीरो को कुछ देर के लिए, जीरो को अगर हम कुछ देर के लिए इवन ले लेते हैं, जीरो को हम कुछ देर के लिए इवन ले लेते हैं, चलो हमने इवन ले लिया जीरो को, ठीक है, जीरो प्लस जीरो तो हमें जीरो प्राप्त हो रहा है, जीरो प्लस जीरो हमें जीरो प्राप्त हो रहा है, सम प्राप्त हो रहा है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम ऑड प्लस ऑड करते हैं, लेकिन हमने इवन लिया है जीरो को, अगर हम ऑड प्लस ऑड करते हैं तो हमने तीन माइनस तीन तो हमारा जीरो प्राप्त हुआ, तो जीरो इवन है यहाँ और हमने माना क्या, इवन है, तो हम कह सकते हैं कि ये भी प्रॉपर्टी बिल्कुल करेक्ट है। ऑड प्लस इवन, हमने यहां पर पांच लिया, इवन में हमने क्या ले लिया, जीरो, तो पांच में जीरो को किया तो पांच आ गया, तो हमने क्या माना पांच को, ऑड, तो पांच ऑड है, बिल्कुल करेक्ट है, तो ये भी प्रॉपर्टी आपकी सही। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि जीरो जो है अपने आप में क्या है, एक इवन नंबर में अपनी गिनती कराता है, ठीक है। और एक और तरीके से आपको और बताए दे रहे हैं, आपको ध्यान रखना है वैसे कि जीरो जो है वो इवन है, लेकिन हम आपको एक और बात बताए दे रहे हैं कि आपने छोटी छोटी क्लासों में नंबर लाइन पढ़ी होगी, नंबर लाइन पर जीरो प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री, एक और माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, इस तरीके से आपने देखा होगा। आपको पता है कि एक दो तीन चार पाँच छः सात जितने भी आपके नेचुरल नंबर होते हैं उनमें दो जो आपके ऑड नंबर होते हैं उनमें एक इवन होता है बीच में हर जगह, यानी दो ऑड एक तीन ऑड, दो इवन तीन पाँच ऑड चार इवन। तो आपको ये पता है कि जो दो विषम संख्या होती है लगातार उनके बीच में सम होती है, तो नंबर लाइन पर आपने देखा होगा माइनस वन और प्लस वन के बीच में पढ़ने वाला नाम है जीरो, तो जीरो जो गिनती कराएगा वो किस में कराएगा, सम में कराएगा। तो मैंने कई तरीके से आपको ये बात बता दी, और आपको ध्यान रखनी है कि जीरो जो है वो अपनी गिनती किस में कराता है, सम में कराता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में पॉजिटिव इंटीजर। देखिए पॉजिटिव इंटीजरों का हम बंटवारा करें, इंटीजरों में पॉजिटिव इंटीजर को लेते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर में अगर हम बात करते हैं तो पॉजिटिव इंटीजर में हम आपके लेंगे एक तो प्राइम नंबर और एक लेंगे कंपोजिट नंबर, एक प्राइम नंबर एक कंपोजिट नंबर, यानी प्राइम बोले तो अभाज्य संख्या और कंपोजिट बोले तो भाज्य संख्या। देखिए अभाज्य संख्या किन्हें कहते हैं, अभाज्य संख्या भी होती है जिनके केवल और केवल केवल और केवल दो ही गुणनखंड होते हैं, उनको सबको अभाज्य कहते हैं। तीन है, एक और हम कितना कह सकते हैं तीन, यानी एक होता है कंपलसरी और स्वयं में संख्या होती है और कोई, यानी ना तो दो से कम होते हैं और ना दो से ज़्यादा होते हैं जिनके फैक्टर, उनको हम कहते हैं क्या, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। जैसे हमने कह दिया पाँच, एक और पाँच, तो एक और पाँच यानी एक और स्वयं संख्या के अलावा और कोई दूसरा नहीं, यानी ना तो दो से ज़्यादा ना दो से कम, उन्हें हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या है। और भाज्य संख्या वे कहलाएंगे जिनके फैक्टर दो से ज़्यादा, तीन या चार या पाँच कितने भी हों, उनको हम कहेंगे क्या, क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। जैसे आपका छः है, छः के फैक्टर अगर हम करेंगे एक दो और कितने आ जाएंगे, तीन, ठीक है, तो एक दो तीन और ये आपका छः, तो इसमें दो या दो सॉरी दो से क्या है, अधिक है, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ये अपने आप में एक कंपोजिट है, कैसी संख्या है, भाज्य। लेकिन एक चर्चा का विषय ये है कि अगर हम एक की बात करते हैं तो एक जो है वो कैसा है, एक प्राइम है या कंपोजिट है। तो दोस्तों एक प्राइम और कंपोजिट की अगर हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि एक ना तो अपनी गिनती प्राइम में कराता है और ना अपनी गिनती कंपोजिट में कराता है। क्यों, क्योंकि एक के अगर फैक्टर की बात करते हैं तो एक का फैक्टर एक ही होगा, जबकि हमने बता दिया आपको कि प्राइम नंबर वो कहलाते हैं जिनके केवल और केवल दो ही गुणनखंड होते हैं, ना दो से ज़्यादा ना दो से कम, तो इसको ये अप्लाई नहीं करता है।
और कंपोजिट के लिए भाज्य के लिए बता दिया कि दो से अधिक होते हैं तो इसको भी अप्लाई नहीं करता है। तो एक न तो अपने आप में प्राइम में गिनती कराता है और न कंपोजिट में, न तो भाज्य में गिनती, न तो अभाज्य में गिनती कराता है और न ही भाज्य में, ठीक है। तो एक जो है वो अपने आप में क्या है, यूनिट है, ठीक है। अब यहां से एक बात और पूछ ली जाती है और वो ये कभी कभी एग्जाम में कि भाई बताइए एक से लेकर के 50 तक अगर हम जाते हैं तो एक से लेकर 50 तक टोटल जो आपके प्राइम नंबर पढ़ते हैं, अभाज्य संख्या जो पढ़ती हैं वो कितनी होती हैं। तो एक से लेकर 50 तक 15 अभाज्य संख्या है, 51 से लेकर 100 तक 10 अभाज्य संख्या है, और एक से लेकर अगर 100 तक बात करते हैं तो 25 अभाज्य संख्या है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि एक से लेकर 50 तक टोटल जो होते हैं वो 15 अभाज्य होती हैं, 51 से लेकर 100 तक 10 होती हैं, और एक से लेकर 100 तक टोटल कितनी हो जाती हैं आपकी, 25 हो जाती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में एक और नाम आता है आपका और वो होता है ट्विन प्राइम। क्या होता है? ट्विन प्राइम। और जो आपका ट्विन प्राइम होता है उसका मतलब क्या होता है? देखिए ट्विन प्राइम का, ट्विन का मतलब आपका दो होता है, ठीक है। ट्विन का मतलब आपका दो होता है, ट्विन प्राइम भी प्राइम कहलाते हैं सब अपने आप में, जिनके के बारे में अगर हम बात करते हैं। देखिए ट्विन प्राइम से पहले हम एक और नाम लेते हैं दोस्तों, उसको जरा आप ध्यान से देखना। ट्विन प्राइम के पहले हम एक और नाम लेते हैं, और एक और नाम हम अपने आप में वो लेते हैं कि जैसे कह दिया गया कि भाई रिलेटिव, क्या कह दिया गया, रिलेटिव, आपने नाम सुने होंगे, एक नाम सुना होगा प्राइम में रिलेटिवली, और एक नाम सुना होगा को प्राइम। देखिए रिलेटिवली प्राइम जो होता है उसे हम कहते हैं अपेक्षित अभाज्य, ठीक है, और को प्राइम जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, सहअभाज्य। इसको जरा ध्यान से सुनना, यानी रिलेटिव प्राइम क्या होते हैं, अपेक्षित अभाज्य क्या होती हैं। तो दोस्तों अपेक्षित अभाज्य वे अभाज्य कहलाते हैं जिनका एचसीएफ जो होता है ना वो केवल एक होता है, जैसे 3 और 5 इनका एचसीएफ एक होगा, 4 और 9 इनका भी एचसीएफ एक होगा, 3 और 8 इनका भी एचसीएफ एक होगा। तो जिनका मासापा केवल एक होता है ना वो सब अपनी गिनती रिलेटिवली प्राइम में कराते हैं, अपेक्षित अभाज्य में कराते हैं, चाहे वो अपने आप में इंडिविजुअल संख्या जो है वो भाज्य क्यों ना हो। यानी 4 और 9 दोनों भाज्य हैं लेकिन इनका पेयर जो है एचसीएफ के साथ में एक है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये अपनी गिनती जो है वो रिलेटिवली प्राइम में कराएगा। लेकिन सहअभाज्य जो होती हैं, को प्राइम जो होती हैं, को प्राइम का मतलब होता है कि को प्राइम वे संख्याएँ कहलाती हैं जिनका ग्रुप जो होता है ना अपने आप में वो प्रत्येक अभाज्य संख्या होता है। जैसे प्राइम नंबर होता है, देखिए जैसे मैं आपको बताता हूँ 5 और 7, 5 और 7 अपनी गिनती जो कराएगा वो किस में कराएगा, 5 और 7 गिनती कराएगा अपनी 5 अभाज्य में, 7वीं अभाज्य में, तो इनका ग्रुप जो है वो एक अपने आप में को प्राइम होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर कहने लगे 3 और 11 तो ये भी को प्राइम होगा, यानी जो आपके को प्राइम में जितने भी नंबर होंगे वो सब अपने आप में एक प्राइम होंगे, ठीक है, और उनका जो ग्रुप होगा उसी को हम को प्राइम बोलेंगे, सहअभाज्य बोलेंगे, और इनका भी मासा कितना होगा, सबका एक होगा, कितना होगा इनका भी मासा एक होगा। तो जितने भी को प्राइम होते हैं उनका भी एचसीएफ एक होता है, जितने भी रिलेटिवली प्राइम होते हैं उनका भी एचसीएफ एक होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं क्या कि जितने भी को प्राइम नंबर होते हैं, जितने भी सहअभाज्य होती है ना, वो सब रिलेटिवली प्राइम तो होती है, लेकिन जितनी भी रिलेटिवली प्राइम होती है वो सब को प्राइम नहीं होती है, क्योंकि रिलेटिवली प्राइम में दोनों संख्याएं भाज्य भी हो सकती हैं, लेकिन कभी भी को प्राइम में दोनों संख्याएं भाज्य नहीं हो सकती हैं, दोनों संख्याएं अभाज्य होंगी। तो सभी को प्राइम अपने आप में रिलेटिवली प्राइम तो होते हैं, लेकिन सभी रिलेटिवली प्राइम जो है वो को प्राइम नहीं होते हैं। यानी सभी सहअभाज्य संख्याएं अपेक्षित अभाज्य संख्याएं तो होती हैं, लेकिन सभी अपेक्षित अभाज्य संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं नहीं होती हैं, ओके। अब इसके बाद में आपका एक और नाम जुड़ जाता है, और एक और नाम होता है वो है ट्विन प्राइम। क्या है? ट्विन प्राइम। देखिए ट्विन प्राइम, ट्विन का मतलब आप समझ रहे होंगे, ट्विन का मतलब है दो, ठीक है। तो देखिए ट्विन प्राइम हम कहते कैसे हैं, देखिए ट्विन प्राइम का मतलब होता है अपने आप में ऐसे प्राइम का ग्रुप या सेट दो नंबरों का जिनके बीच का डिफरेंस जो है ना वो कितना हो, दो हो। जैसे 5 और 7 क्या है, को प्राइम है, इनके बीच का अंतर कितने का है, दो का। तो हम यहां पर कहेंगे ट्विन प्राइम का जोड़ा है, ठीक है। हम जैसे कहने लगे 11 और 13 क्या है, को प्राइम, लेकिन इनके बीच डिफरेंस कितना है, दो का, तो हम कहेंगे ना ट्विन प्राइम, ठीक है। इसी तरीके से 17 और 19 की बात करते हैं तो ये भी ट्विन प्राइम है, क्योंकि दोनों अपने आप में है क्या, को प्राइम, और को प्राइम में भी क्या है कि इनके बीच का डिफरेंस कितने का, दो का, तो हम कहेंगे इनको ट्विन प्राइम, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि ट्विन प्राइम का मतलब क्या होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में आपका एक और नाम आता है, एक परफेक्ट नंबर। क्या नाम आता है? परफेक्ट नंबर।
देखिए परफेक्ट नंबर जो होता है वैसे, हालांकि इसकी जो हिंदी होती है ना वो पूर्ण संख्या ही होती है। क्या होती है? पूर्ण। लेकिन अपने आप में पूर्ण होती है। अपने आप में क्या होती है? पूर्ण। अपने आप में पूर्ण होती है। अपने आप में पूर्ण कैसे होती है ये मैं आपको बता दे रहा हूं कि परफेक्ट नंबर वो सभी नंबर कहलाते हैं जिनके फैक्टरों की टोटल वैल्यू जो होती है ना वो स्वयं नंबर के बराबर होती है, लेकिन उस नंबर को छोड़ने के बाद। जैसे जैसे छः के फैक्टर करेंगे, एक दो तीन और छः, यही है, लेकिन उस नंबर को छोड़ने के बाद अगर हम इनको ऐड करेंगे, दो और एक तीन और तीन, कितना प्राप्त होगा हमें? छः। तो किसी भी नंबर के फैक्टरों की टोटल वैल्यू अगर उस नंबर के बराबर होती है उस नंबर को छोड़ने के बाद, तो वो सब अपने आप में क्या कहलाते हैं? परफेक्ट नंबर कहलाते हैं। इसी तरीके से मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ कि मैंने बोला 28, 28 की हम बात करते हैं, एक से डिवाइड चला जाएगा, दो से चला जाएगा, चार से चला जाएगा, सात से चला जाएगा, चौदह से चला जाएगा, अट्ठाईस से चला जाएगा, लेकिन 28 कट करना है क्योंकि उस संख्या को छोड़ना है। बाद बाकी आपके पास दो और एक तीन, चार और तीन सात, सात और सात चौदह, और चौदह कितना हो जाएगा? 28। तो इनकी सभी की वैल्यू आपकी 28 हो जाएगी, तो इसकी गिनती जो है वो परफेक्ट नंबर में होगी दोस्तों। तो ये आज आपका इस क्लास में जो रहा वो एकदम क्लासिफिकेशन रहा कि किस तरीके से क्या क्या स्थितियाँ होती हैं। तो मैं आज आपको बता दे रहा हूँ कि ये आपका पार्ट वन था आज किसका, नंबर सिस्टम का, जिसमें हमने आपको वर्गीकरण करके बताया। बाद बाकी इस पर काम करना अब हम अगले पार्टों से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, पसंद आती है नहीं आती है कमेंट करें, कैसी पसंद आती है उसके लिए भी कमेंट करें, अगर ज़्यादा अच्छी पसंद आती है तो उसे शेयर करें दोस्तों, और मेरे साथ जुड़े रहें। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए, टारगेट के लिए अगर बात करता हूं तो पीछे नहीं हटने दूंगा, बशर्त आप मेरा साथ दें और मैं आपका। ओके, थैंक यू।